हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पहली बार निकल रहे हैं अपनी कैंपर वैन से और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रिठौरा। आई थिंक देखते हैं आज शाम तक हम लोग कहां तक पहुंच पाते हैं। हम लोग लगातार चल रहे हैं और हम लोग ने सोचा है कि हम लोग अगर शाम होने से पहले टनकपुर पहुँचे तो फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे, अगर शाम हो जाती है तो फिर हम लोग नाइट स्टे टनकपुर में करेंगे और अर्ली मॉर्निंग हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। आज बच्चे बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए और समझ नहीं आ रहा है हम लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स आगे ट्रेवल करें ना करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी कभी बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी ट्राई करते हैं, हम लोग देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं बिना किसी रुकावट के या बिना परेशानी के। आज बहुत खुशी का दिन है, आज हम लोग पहली बार अपनी कैंपर वैन से निकले हैं और छोटे छोटे बच्चों का बहुत अरमान है कि हम लोग किसी अच्छी जगह पे जाके स्टे करें और इसी सोच को लेके हम लोग निकल चुके हैं। उसने प्रॉमिस तो किया है कि वो डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत जल्दी पहुंचा देगा, प्रोवाइड करा देगा, बट देखते हैं वो कितनी देर में हमें प्रोवाइड करा पाता है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े हमें झंडा ले जाते हुए खाटू श्याम जी का कुछ लोग दिखाई दिए। उनको देख के मन में अति उत्साह हुआ, मज़ा आ गया बिल्कुल। कहते हैं ना, घर से जब निकलते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता है हमें क्या मिलेगा। आज वैसे ही हुआ। जय श्री खाटू श्याम। फाइनली गाइस, इट्स अ ब्रेक। अब हम रुके हैं मोमो ब्रेक के लिए। हम लोग यहाँ मोमो का वेट कर रहे हैं। थोड़ी सी ठंड हो गई है, बहुत ठंड हो गई है, इंतजार हुआ खत्म। मोमो आ गए हैं। मैं उनको दिखाती हूँ कैसे खाते हैं। वेज मोमो बहुत अच्छे हैं। वेज कबाब कुछ बना रहे? वेज कबाब भी अभी आ रहे हैं हमारे, कुछ नहीं आता। फूड ब्लॉग कैसे? ये है इतनी भूख लगी है हम लोगों की, हम कार छोड़ के ऐसे ही आ गए हैं। केयरलेस पीपल। अभी हमारे यहाँ है फ्राई मोमोज और अभी आगे फिंगर लिकिंग गुड। अभी ये शाम भी आ चुकी है हम लोग की। हाय गाइस, तो बढ़िया है ये। स्प्राइट कौन पीना चाहता है? मेरा फ्लेवर। एवरीबॉडी
Cheers. Three. Yay. गाइस जैसे ही हम लोग पहुंचे बनबसा के जंगल्स में, हम लोग निकलना शुरू किए हैं। शिवाय को ना देख के ही डर लगने लगा और वो डरने लगा और उसको हम लोग डराने लगे। जंगल भी बहुत अजीब होते हैं, कभी कभी बहुत सुंदर लगते हैं और शाम के समय बहुत डरावने। गाइस वो गाइस शाम होते होते हम लोग पहुंच गए टनकपुर और शारदा जी के किनारे। अंधेरा होने लगा, शिवाय फिर डरने लगा और वहाँ हमने शारदा जी के किनारे बच्चों ने बहुत सारे फ़ोटो शूट किए। आइए हम लोग देखते हैं उनके कैसे कैसे फ़ोटो शूट कर रहे हैं, कैसे कैसे मस्ती कर रहे हैं, देखते हैं उनके कुछ फ़ोटोग्राफ्स। गाइस चाहिएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ द एंडलेस राइडर। यहाँ फोटोग्राफी हो रही थी, अभी रोक दिए। ड्राइवर उनकी बीवी रुकी हुई है उधर। हाँ बताओ उधर क्या है। बहुत अलग टाइप की, अलग टाइप की। वहाँ पे वो कौन सा बर्ड है, वो कौन सा चिड़ा गया। अंधेरा होने लगा है अब और ठंड बढ़ गई है इधर।